सो हे हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइज, काफी दिनों से मैं घूमने नहीं गया था, तो इस वजह से आज निकला हूँ बुलेट लेके घूमने, और साथ में मेरे पीछे पिलियन राइड कर रहे हैं आर्यन। तो अभी हम पेट्रोल पंप जा रहे हैं और आज आपको दिखाएंगे एक ट्रैकिंग रूट। तो देहरादून में सबसे अच्छा ट्रैकिंग रूट है, तो मैं आज आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से पेट्रोल फिल करवाते हैं और आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली गाइज, अपने फेवरेट पेट्रोल पंप पे हम पहुँच चुके हैं और राइट में हमारे पेट्रोल पंप, तो यहाँ भी जा रहे हैं। हम फ्यूल भरवाते हैं। तो पेट्रोल हमने भरवा लिया है और चलते हैं अब आगे। तो गाइस, जो हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा वो मेन राजपुर से होगा। तो अभी हम हैं ईसी रोड पे हैं, और यहाँ से हमें जाना होगा राजपुर, और वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। बट हम ट्रैक आपको दिखाएंगे कि कैसा है, आप लोग आ सकते हैं पैदल, और मतलब कैसा वहाँ का व्यू है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और हम चल रहे हैं सीधे राजपुर के लिए। तो आज सैटरडे है, काफ़ी क्राउड है। तो गाइस, काफ़ी दिनों से मौसम साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। बट आज थोड़ा मौसम ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं, और आज आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें दिखाएंगे। आप लोग भी ज़रूर जाइए वहाँ घूमने। तो राजपुर रोड की वाइब देखिए आप, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है और रोड काफ़ी अच्छी है, तो बाइक चलाने का अल्टीमेट मज़ा यहाँ पे है। तो मसूरी रोड है बेसिकली, ये मसूरी के लिए जा रही है ये रोड। तो यहाँ पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं, दिल्ली यूपी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो फाइनली गाइस, पहुंच चुके हैं हम पैसिफिक मॉल, और ये हमारे लेफ्ट में है पैसिफिक मॉल। काफ़ी बड़ा मॉल है और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। सो गाइस, हम मसूरी डाइवर्जन पे अभी पहुंच चुके हैं, और यहाँ से लेफ्ट जो जा रही है रोड वो मसूरी चले जाती है, और हमें जाना है सीधे आगे राजपुर के लिए। तो यहाँ से राजपुर 3 से 4 किलोमीटर दूर होगा, और उसके बाद हमारी जो ट्रैकिंग रूट है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो फाइनली गाइज, हम मेन राजपुर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमें सीधे जाना है, और ये चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रास्ता आपको थोड़ा गलियों वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ अभी प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी बन चुकी है, तो इस वजह से रोड अब थोड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अब यहाँ से आपको आना है। आप किसी से भी पूछोगे कि झाड़ी पानी वाला ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपको कोई भी बता देगा राजपुर से कहाँ जाना है। तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, क्योंकि कोई भी ईजिली बता देगा आपको। तो यहाँ से राइट, ये नीचे जो रोड आ रही है ये भी मसूरी रोड है, तो आप लोग आ सकते हैं, और यहाँ से राइट हो जाना है आपने। और देखिए, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो गाइस, उस पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ से आपने अपना ट्रैक स्टार्ट करना है। तो ये रहा वो पॉइंट, यहाँ पे आप गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो कहीं पे भी, और यहाँ से पूरे माउंटेंस दिखने लग जाते हैं। तो ये देखिए गाइस, आप इधर कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हो, और आपको वहाँ उस चोटी पे जाना है। तो ये राइट वाला जो रास्ता है वो शिखर फॉल के लिए चले जाता है, और जो लेफ्ट वाला रास्ता जाता है जिस पर हम जा रहे हैं, ये झड़ी पानी के लिए जा रहा है। तो आप
पैदल जाना है तो यहाँ पे अपनी कार पार्क कर लीजिए और यहाँ से आप पैदल अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो देखिए रास्ता, देखिए यहाँ लोग ट्रैकिंग करने आते हैं, ये देखिए। आप लोग वैसा घूमने चाहते हो तो बाइक लेके भी आ सकते हो और यहाँ पे भी एक व्यू पॉइंट है। ये देखिए आप, काफ़ी खतरनाक रास्ता है और यहाँ लोग आए हुए हैं, तो हम जा रहे हैं सीधे ऊपर। अपनी बुलेट तो चढ़ ही नहीं पा रही है। ये देखिए गाइस, लोग ट्रैकिंग करके वापस आ रहे हैं और स्कूटी भी लोग ले जाते हैं यहाँ पे। काफी दिक्कत होती है बट फिर भी ले जाते हैं। तो गाइस ये देखिए आप, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट और यहाँ से हमें ऊपर जाना है। और ये देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। मेरे साथ आर्यन है और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, आपको ऊपर से भी व्यू दिखाएंगे। और हमारी पहली लोकेशन ये है, यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ से पूरा व्यू देखिए गाइस। तो गाइस 10 मिनट हम यहाँ पे रुके और अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। तो काफ़ी डेंजरस रास्ता है, आप लोग अगर बाइक और स्कूटी लेके आते हो तो बिल्कुल प्यार से आना। ये देखिए काफ़ी डेंजरस है। देखिए यहाँ काफ़ी दिक्कत आ रही है और एक ये भाई हेल्प मांग रहा था। देखिए यहाँ जिप्सी भी लेके आते हैं लोग। एक सेकेंड ना आर्यन, जाओ हेल्प करते हैं किसी की। नहीं हम तो अलग हैं, हम हेल्प कर रहे थे उनकी। तो गाइस हेल्प कर दी हमने भाई की, तो आगे जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे जिप्सी जो 4x4 गाड़ियाँ हैं वो आ सकती हैं और यहाँ से आप
व्यू देखिए काफ़ी प्यारा है। तभी मेरे भांजे ने पूरी हेल्प कर दी है क्योंकि एवेंजर चढ़ नहीं रही थी। तो चलते हैं हम आगे। ठीक है भाई, तो ये देखिए काफी डेंजरस रास्ता है ये। जी देखिए, और यहाँ आप लोग यहाँ मॉर्निंग आ सकते हो और ट्रैक कर सकते हो पूरा। ये बेसिकली डेवलप होने वाला है कुछ टाइम में, इसका सर्वे हो चुका है और यहाँ पूरा साइकिलिंग और ट्रैकिंग के लिए पूरा रूट तैयार हो जाएगा ये कुछ दिनों बाद। तो देखिए आप, अगर बाइक और स्कूटी से आ रहे हो तो काफ़ी डेंजरस है, कुछ स्पॉट तो काफ़ी डेंजरस है, तो आप अवॉइड कीजिए बाइक और स्कूटी में आना। आप पैदल ज़रूर आइए। और हमारी गाड़ी ने भी पिकअप तोड़ दिया है तो थोड़ा मोशन बनाना पड़ेगा। और हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट, क्योंकि जो ये आगे रोड जा रही है ये कहीं गांव के लिए चले जाती है। और एक सेकेंड, और हमें लेफ्ट जाना है यहाँ से। तो ये देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी लोकेशन, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। और यहाँ आ जाते हैं छोटे छोटे बैंड। तो देखिए आप, लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक स्पॉट है, वहाँ से अच्छा व्यू दिखता है, बट हम आपको आगे एक व्यू पॉइंट दिखाएंगे अच्छा सा। गाइस ये बेसिकली वैसे ट्रैकिंग के लिए ही है, बाइक और स्कूटी यहाँ अलाउड नहीं है, बट हम आपको दिखाना चाह रहे थे इस वजह से यहाँ गाड़ी लेकर आए। ये देखिए ट्रैकर्स यहाँ आते रहते हैं। यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, पूरा देहरादून आपको दिख जाएगा यहाँ से, काफ़ी सुंदर है। तो यहाँ पे है वो पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये लोकेशन देखिए आप, यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है और माउंटेन्स के हम बीचों बीच हैं अभी। सो फाइनली गाइज, ये वो लोकेशन है आपने ड्रोन शॉट देखे, और आर्यन भी आया था देखिए। हाय गाइज, तो गाइज यहाँ से अभी देखो धुंध हो रही है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा,
तो हम नेक्स्ट डे कभी आएंगे, ट्रैकिंग करने ज़रूर आएंगे। तो अभी चलते हैं आगे, और आगे कुछ मैगी वगैरह कुछ मिलता है तो वो खाते हैं, और फिर आपको और भी ज़्यादा कुछ हम एक्सप्लोर कराने की कोशिश करेंगे, पूरा उत्तराखंड आपको एक्सप्लोर जरूर करवाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, हम निकल चुके हैं वहाँ पे से, और आगे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पे हम मैगी वैगी खाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि आप आइए और यहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो गाइस ये वैसे ट्रैकिंग रूट है, इसमें मॉर्निंग लूप काफ़ी भीड़ रहती है, इसमें ट्रैक करने आते हैं लोग। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस लोकेशन पे, और ये देखिए तो ये है वो लोकेशन, और यहाँ पे हम अभी मैगी और चाय खाएंगे। तो यहाँ से भी पूरा व्यू दिखता है। तो देखिए हमारी चाय आ चुकी है और काफ़ी टेस्टी है। सो गाइस आ चुकी है हमारी मैगी, और मैगी काफ़ी स्पाइसी है देखिए आप। तो आप लोग भी आइए, व्यू पॉइंट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ सुकून मिलता है बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्राउड नहीं है। तो मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूर यहाँ घूमने आइए, ट्रैकिंग करने आइए। और अब हम यहाँ पे से मैगी वैगी खाते हैं और निकलते हैं देहरादून के लिए। तो फटाफट खाते हैं। फाइनली गाइस इस लोकेशन को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, निकल रहे हैं फिर यहाँ से देहरादून के लिए। और आप फिर एक लास्ट बारी ये देख लीजिए यहाँ से। तो चलते हैं फिर देहरादून, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।